नमस्कार, एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा झुग्गी झोपड़ियों प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल के निर्देश अनुसार पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के साथ हो रही विसंगति को दूर करने के लिए बालाघाट अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम बालाघाट भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बालाघाट भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक अजय सुखदेवी ने बताया कि आदिवासी छात्रों के साथ जो विसंगति हो रही है उसे दूर करने को लेकर शिकायत की है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के साथ कुछ नियमों के कारण अन्याय हो रहा है। जैसा कि अगर आदिवासी बच्चा सामान्य स्कूल की पढ़ाई कर रहा है तो उसे छात्रावास में रहने की पात्रता है, परंतु वहां अगर आईटीआई या अन्य उच्च क्षेत्रों के कोर्स में पढ़ने जाएगा तो उसे शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा ही महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान आदिवासी छात्र को शासकीय छात्रावास में प्रवेश मिल जाता है। इस क्रम में 13 सितंबर को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम आदिवासी छात्रों के साथ हो रही विसंगति दूर करने के विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बालाघाट भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक अजय सुखदेवे, गुरुदत्त तुरकर, लखन बांगड़े, चंद्रकांत जायसवाल, जुगनू जायसवाल, अनेंद्र डहाटे उपस्थित रहे। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस उकवा से संजना मोनू बर्वे की रिपोर्ट।